हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपना एक और नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे आपको पता ही है कि इनकम टैक्स रिटर्न करने की जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है और अब बस वो आ ही गई है। और अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल नहीं किया है तो ये वीडियो आपके काम आएगी, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, कुछ नौकरी पेशा लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सैलरी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती है, या फिर आती भी है तो उनको ये लगता है कि अब तो टैक्स भरना उनको जरूरी ही नहीं है। लेकिन बस यही सोच उनकी गलत होती है, क्योंकि पता है आपको, टैक्स भरने के भी अपने अलग फायदे हैं। और वो फायदे क्या हैं वही तो मैं आज आपको बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मान लीजिए कि आप कहीं दूसरे देश में घूमने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी? वीजा की। तो वीजा के लिए अप्लाई करते वक्त भी आपको जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें, क्योंकि उस वक्त आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा। हो सकता है कि जो वीजा अथॉरिटीज होती हैं वो 3 से 5 साल तक का रिटर्न आपसे मांगे, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए ही उस व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है जो दूसरे देश में यात्रा करने जा रहा है। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका वीजा अप्लाई ना हो। दोस्तों, जो लोग जॉब करते हैं और उनकी सैलरी आती है, हो सकता है कि कभी कभी वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है, फिर भी उनका TDS कट जाता है और आप नहीं चाहते कि आपका TDS कटे। और अगर मान लीजिए कट भी गया है तो वो वापस मिल जाए, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें, तभी आपका जो TDS कटा है वो आपको वापस मिल सकता है। अब बात आती है लोन की। अगर मान लीजिए आपको लोन लेना है तो उसके लिए भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा। होम लोन में तो खास तौर की आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है, क्योंकि बैंक आपका उस वक्त फाइनेंशियल स्टेटस चेक करती है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते होंगे तो आपको हो सकता है बैंक लोन देने के लिए भी इनकार कर दे, तो उस वक्त आपका काम अटक जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें। तो एक ये फ़ायदा होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। इसके अलावा कुछ और भी फायदे हैं, वो मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊँगी। मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको कोई नया किसी संस्था से या फिर किसी विभाग से कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तब भी आपसे वो विभाग आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है। और मान लीजिए कि अगर आपने सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो सरकारी विभाग द्वारा तो ये निश्चित है कि आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा, उस समय आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए, जिससे कि जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए जो शेयर और म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप भी शेयर और म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश करते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपको शेयर और म्यूचुअल फंड्स में कोई बड़ा घाटा हुआ है और उसे आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप एक डेडलाइन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, तभी आपका जो लॉस है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा और आपका घाटा कम होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनकम टैक्स रिटर्न करने के क्या फ़ायदे हैं आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़, अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं भी आती है तो भी आप फाइल कर दीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स रिटर्न अलग अलग पार्ट्स में ज़रूरी पड़ सकता है। तो इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए, 30 दिसंबर से पहले आप इसको रिटर्न को फाइल कर दीजिए, ताकि आपको किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।